हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज जो है ब्लूटूथ पैनल रिपेयरिंग करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोग अपने घरों पर आसानी से रिपेयर कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट ब्लूटूथ पैनल है, जो कि अलग अलग तरीके का। आप लोग देख सकते हैं ये बड़ी आईसी है, जो बड़ी आईसी में भी ब्लूटूथ पैनल है, जो कि इसको भी रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये सैंपल वाला ब्लूटूथ पैनल है, इसको भी रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये सब तो आप लोग देखे भी होंगे, मैंने कई बार रिपेयरिंग करके दिखाया था। और दोस्तों ये भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन बनता है हमें और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों यही मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसमें 5 वोल्ट निकाल रखा है जो वायर, और पहले मैं आप लोग को 5 वोल्ट चेक करा देता हूँ। इससे क्या है कि आप लोग जो है को पता होगा इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों मैं इसमें चेक कर रहा हूँ इसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये एक कनेक्टर और ये, देखिए दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट जो 6 पॉइंट। अब हम इसे चेक करते हैं कि दोस्तों कौन कौन से ब्लूटूथ हमारा, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ब्लूटूथ पैनल रिपेयरिंग करने के लिए आता रहता है। देखिए दोस्तों ये इसमें ऑन नहीं हो रहा है, और एक बार हम इसको देखते हैं, इसका वोल्टेज भी देखते हैं ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत यहीं से होता है जब हम इसको जो है ऑन करते हैं। पहले हमें एक ग्राउंड पे लगा देना है, दूसरा हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, और दोस्तों अब हमें यहाँ देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, और एक बार हमें सेंसर पे भी देखना है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। अब हम एक बार इस पिन को यहाँ पे लगा के देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आ रहा है, जो कि आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों किसी किसी ब्लूटूथ पैनल में जो है 5 वोल्ट लिखा होता है, किसी किसी में 20cc लिखा होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों ये अभी ऑन नहीं है, जो है आप लोग देख सकते हैं। इसको हम ऑन करके दिखाएंगे किसी भी हालत में, इसको देखते हैं ऑन। अब हम पहले इसको जो है दोस्तों इसका वायर निकाल लेते हैं जो 5 वोल्ट, और दोस्तों इसको हमें पहले खोल देना है। खोलने के बाद दोस्तों तुरंत मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और दोस्तों वीडियो को बने रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल वीडियो है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्लियर नहीं हो रहा था। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे क्या चीज़ ख़राब है। पहले हम इसमें 5 वोल्ट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों मैंने 5 वोल्ट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड जो है हमें रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि ये डायोड जो हमारा लगा हुआ है, जो है SMD डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को हमें चेक करना है। डायोड को अभी हम चेक करते हैं, डायोड इसका क्या दिक्कत है कि नहीं है। दोस्तों इसको आसानी से इसको निकाल लेंगे, और दोस्तों इसको हमें डायोड को आयरन की मदद से निकालना है। देखिए दोस्तों इसको आसानी से निकाल देना है, और इस तरफ से भी निकाल देना है। देखिए दोस्तों डायोड मैंने निकाल दिया है, देखिए दोस्तों ये डायोड निकाल दिया है, और अभी हम डायोड को चेक करेंगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि डायोड को चेक करने के लिए हमें जो है बीप पर चेक करना होगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से नहीं काम कर रहा है, और इस तरीके से, क्योंकि अगर दोस्तों एक तरफ का पॉइंट हमें कुछ बताना चाहिए, देखिए दोस्तों एक तरफ का पॉइंट बता रहा है और एक तरफ का नहीं बता रहा है, तो दोस्तों डायोड हमारे हिसाब से सही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट नहीं आगे जाने दे रहा है, एक बार इसको हम देखते हैं सही से। दोस्तों इसको दोबारा से इसको सोल्डिंग करते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें इसको दोबारा से सोल्डिंग करते हैं एक बार।
दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो ये डायोड जो है चलते चलते थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है, ऐसा भी हो जाता है। इसमें हमें देखना है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया, मुझे लग रहा था कि ये डायोड जो है सही से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने इस डायोड को दोबारा से जो है निकाल कर और इसके बाद चेक करके लगाया तो अब सही जो है चलने लगा। अच्छा हमको सिखा दिया। ये जो है अब देखिए, अभी मैं इसको यूएसबी पे करता हूँ दोस्तों। देखिए चेंज हो गया, अब ये जो है या फिर ऑक्स पे आ गया दोस्तों, क्योंकि जो पुराना मॉड्यूल होते हैं तो उसकी बटन थोड़ी से मॉइस्चर होता है, इसके कारण से थोड़ी बटन जो है तेज़ी से दबाना पड़ता है। अब दोस्तों मैंने इसको ये ओके हो गया, ये इसको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ बटन चेंज करना होगा। ये बटन तो कॉमन है दोस्तों, आसानी से चेंज हो जाता है। अब हम दूसरा देखिए दोस्तों, एक सैंपल वाला है जो कि ये ब्लूटूथ पैनल आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम रिपेयर करके दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये तो अब इस समय नहीं चेंज जो है लगता दोस्तों ये वाला। अब देखिए दोस्तों ये भी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से जो है रिपेयर करेंगे इसको भी देखेंगे दोस्तों, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीधा पलटेंगे इसको, अब मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और दोस्तों यहाँ पे हमें पहले इसको यहाँ पे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे आता है और दोस्तों और इस कैपेसिटर पे यहाँ पे कहीं भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। एक बार हम इसको सही से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है जो है शॉर्टिंग के कारण से जो है दिक्कत करता है। पहले हम एक बार इसको शॉर्टिंग देखते हैं दोस्तों, ये शॉर्ट बता रहा है कि नहीं, ये बीप पे देखेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए दोस्तों ये हमारा प्रॉपर शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग है प्रॉपर, ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसको कहीं ना कहीं देखते हैं कहीं कहाँ पर इसको शॉर्टिंग है। हमारे हिसाब से तो दोस्तों कहीं शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कहीं शॉर्टिंग तो दिख नहीं रहा है कहीं। दोस्तों एक बार इधर यहाँ पे यूएसबी के पास में हल्का सा शॉर्टिंग नज़र आ रहा है, ये देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिंदी टाइप दे रखा है दोस्तों, यही भी मुझे लग रहा था हल्का फुल्का शॉर्टिंग था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे लग रहा है यहाँ पे 7805 ट्रांजिशन लगाने का जगह दे रखा है। अब देखते हैं दोस्तों ये चालू होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये भी चालू हो गया, इसमें भी बहुत जो है हल्का सा छोटा सा फॉल्ट था, जो कि आप लोग जब रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों आप लोग पहले ये चीज़ देखिएगा, कहीं आपके जो ब्लूटूथ पैनल होता है कहीं भी शॉर्टिंग हो थोड़ा बहुत, उसको कोशिश कीजिएगा हटा दीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि मॉड्यूल को जो है लगाते समय कहीं थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हो जाती है दोस्तों, इसकी वजह से डेड हो जाता है ब्लूटूथ पैनल। आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग से ये वीडियो जो है देखने के बाद आप लोग को कुछ जो है फ़ायदा होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों मुझे अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए वीडियो, तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।